हाय गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एडू टॉक्स में स्वागत है। जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने जा रहा था, तो आज का हमारा वीडियो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में है। तो आई होप दैट गाइस कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? और हमारा इसका सही उत्तर है बलवंत राय मेहता आयोग। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती से संबंधित है? का सही उत्तर है पार्ट 9 यानी भाग 9। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अब हटा दिया गया है? और हमारे का सही उत्तर है भाग 7। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के इतिहास में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया था? और का सही उत्तर हमारा जेपी कृपलानी जी ने। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, किन प्रस्तावों को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? क्या सही उत्तर हमारा निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और हमारा विश्वास प्रस्ताव। हमारा सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, किन संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं सूची में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को शामिल किया गया है? और इसका सही उत्तर हमारा 71वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारा सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेख आपातकाल से संबंधित नहीं है? का सही उत्तर हमारा 368वां। हमारा एट नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका हमारा सही उत्तर है अनुच्छेद 344। हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के तहत भारत में शासन के लिए पहला कानून था? इसका सही उत्तर हमारा भारत सरकार अधिनियम 1855। हमारा टेंथ नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के लिए एक अलग राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा? इसका सही उत्तर है 1753 का चार्टर एक्ट। हमारा इलेवेंथ एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? और सही उत्तर हमारा 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू कब किया गया था हमारा 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आई होप दैट गाइस कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।